गुड मॉर्निंग थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों, पेज नंबर 36 निकालिए। हमारा आज का पाठ है ईश वंदना, पाठ नंबर 9, ईश वंदना। ठीक है, तो बच्चों नया पाठ हम पढ़ते हैं। गंगा के किनारे बने मंदिर की घंटी बजते ही रंजू की नींद खुल गई। यहाँ का है ना, यहाँ की कीजिए। गंगा के किनारे बने मंदिर की घंटी बजते ही रंजू की नींद खुल गई। उससे पलंग पर सोई मंजू को उठाया। ठंड लग रही थी, फिर भी दोनों ने नहाकर कंघी की। फिर दोनों मंदिर गई। मंदिर पर झंडा लहरा रहा था। पास में पेड़ पर चंचल बंदर बैठे थे। मंदिर के मंडप में संत लोग भजन कर रहे थे। पंडित जी ने सबको चंदन लगाया और अंगूर, अंजीर और संतरा प्रसाद में दिया। रंजू और मंजू ईश वंदना करके घर आई। वे रोज नियम से मंदिर जाती है, सब उन्हें पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमने ये पाठ पढ़ लिया है, अब मैं आपको ये पाठ समझाती हूँ। ठीक है, तो रंजू और मंजू नाम की दो लड़कियाँ हैं, और उनका घर जो है वो मंदिर के पास है। और ये जो मंदिर है ना, गंगा के किनारे है। ये मंदिर कहाँ पर है? गंगा के किनारे पर है। यहाँ इस मंदिर में घंटी बजती है और रंजू उठती है। सुबह सुबह घंटी बजने की आवाज़ से रंजू उठती है और उसने पलंग पर सोई हुई मंजू को उठाया। पलंग पर कौन सोई थी? मंजू। और उसने रंजू ने मंजू को उठाया। ठंड लग रही थी, फिर भी दोनों ने नहाकर कंघी की। ठंड का मौसम था और दोनों को भी ठंड लग रही थी, लेकिन उन दोनों ने सुबह सुबह नहाया और कंघी की। ये देख रहे हो, कंघी की। फिर दोनों मंदिर गई। सुबह सुबह नहा धोकर रंजू और मंजू दोनों मंदिर गई। मंदिर पर झंडा लहरा रहा था। मंदिर होता है ना, उसके ऊपर झंडा होता है, वो झंडा लहरा रहा था। पास में पेड़ पर चंचल बंदर बैठे थे। यहाँ देखिए, ये मंदिर है, यहाँ मंदिर के ऊपर यहाँ झंडा लहरा रहा है और यहाँ पास में एक पेड़ है, उस पेड़ पर चंचल बंदर बैठे हैं। मंदिर के मंडप में संत लोग क्या कर रहे हैं? भजन कर रहे हैं। कहाँ पर? मंदिर के मंडप पर संत लोग भजन कर रहे हैं। और भजन होने के बाद पंडित जी ने सबको चंदन लगाया, माथे पर चंदन लगाया और अंगूर, अंजीर और संतरा प्रसाद में दिया। क्या क्या दिया? अंगूर, अंजीर और संतरा प्रसाद में दिया। किसने दिया? पंडित जी ने माथे पर क्या लगाया? चंदन लगाया। ठीक है, समझ में आ गया। रंजू और मंजू ईश वंदना करके घर आई। रंजू और मंजू रोज नियम से मंदिर जाती है और सब उन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि ये दो जो लड़कियां है वो कैसी है? सुबह सुबह नहा धोकर मंदिर जाती है, सबका कहना मानती है और हर रोज़ मंदिर जाती है, इसीलिए सब उन्हें पसंद करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए पेज नंबर 37, यहाँ देखिए शब्दार्थ मंदिर यानी टेम्पल, घंटा, बेल, भजन, डिवोशनल सॉन्ग। ओके, यहाँ देखिए व्याकरण। व्याकरण में बच्चों काल किसे कहते हैं? समय की सूचना काल से मिलती है।
समय की सूचना काल से मिलती है। जो बीत गया वह कल, जो बीत गया वह कल, जो है वह आज, और जो आएगा वह कल। तो इसीलिए हमें समय की सूचना काल से मिलती है। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों स्वाध्याय। पहला प्रश्न क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी फिल इन द ब्लैंक्स। पहला, रंजू की नींद खुल गई। यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? खुल गई। खुल, रंजू की नींद खुल गई। यहाँ देखो, मैंने ये शब्द लिख नीचे अधोरेखांकित किया है। दो नंबर, मंदिर पर झंडा लहरा रहा था। लहरा, यहाँ रिक्त स्थान में शब्द आता है, ये लिखने के बाद यहाँ अधोरेखांकित करना है। ओके, मंदिर पर झंडा लहरा रहा था। तीन नंबर, पंडित जी ने सबको चंदन लगाया। यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? चंदन। रंजू और मंजू ईश वंदना करके घर आई। यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? मंजू। ओके, रंजू और मंजू ईश वंदना करके घर आई। ठीक है, प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, गंगा के किनारे क्या बना है? उत्तर, गंगा के किनारे मंदिर बना है। दो नंबर, पेड़ पर कौन बैठे थे? उत्तर, पेड़ पर चंचल बंदर बैठे थे। तीन नंबर, पंडित जी ने सबको चंदन लगाया। प्रश्न तीन, निम्नलिखित वाक्यों पर सही, जैसे कि ऐसे, सही और गलत, निशान लगाइए। ओके, एक नंबर, घंटा बजने पर भी रंजू सोती रही। ये वाक्य सही है या गलत? गलत। घंटा बजने पर भी रंजू सोती रही, ये वाक्य गलत है। दो नंबर, रंजू ने मंजू को उठाया। ये वाक्य सही है। तीन नंबर, उन्हें ठंड लग रही थी। ये वाक्य सही है, ऐसे निशान लगाना है। दोनों ने नहाया नहीं, ये वाक्य गलत है। ओके, पांच नंबर, पंडित जी ने सेब और केला प्रसाद में दिया। ये वाक्य गलत है। ओके, प्रश्न चार, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। कुछ शब्द दिए हैं, यहाँ कौन सा शब्द दिया है? मंदिर। गंगा के किनारे बने मंदिर की घंटी बजते ही रंजू की नींद खुल गई। पहला वाक्य, यहाँ एक शब्द क्या है? मंदिर। मंदिर, यहाँ हमें वाक्य बनाना है, गंगा के किनारे बने मंदिर की घंटी बजते ही रंजू की नींद खुल गई। ठीक है, दो नंबर झंडा, मंदिर पर झंडा लहरा रहा था। तीन नंबर भजन, मंदिर के मंडप में संत लोग भजन कर रहे थे। ओके, तो बच्चों आज हमने नया पाठ सीखा, उसका नाम है ईश वंदना। बच्चों आपको क्या करना है, दो बार इसे
घर में पढ़ना है, और मैंने जैसे ही प्रश्न उत्तर लिखकर दिए हैं आपको, वो आपके नोटबुक में लिखना है। ठीक है बच्चों, ओके। तो आज का क्लास हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू।